खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई वाइस चेयरमैन का कहना था कि इंसाफ का झंडा अब भी मेरे हाथ में है, चेयरमैन से मुलाकात करके सियासी मामलों पर गुफ्तगू करूंगा। उन्होंने असीर कारकुनों की रिहाई का मुतालबा तो किया लेकिन सानहा 9 मई की मजम्मत नहीं की। आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, मैं कल इमरान खान साहब की खिदमत में हाजिर होऊंगा। मेरा जो तजिया है सियासी सूरत हाल पर चेयरमैन इमरान खान से उनकी खिदमत भी पेश करूंगा, उनसे रहनुमाई भी हासिल करूंगा। कैदे तन्हाई में एक महीना गुजरा और सोचने का और चीज़ों का जायजा लेने का वसी वक्त है। 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया जिसका मेरी नज़र में कोई जवाब बनता नहीं था। मैं तो कैद तन्हाई में हूँ, मैं किसको उकसा सकता हूँ। तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, मुश्किल वक्त है, हिम्मत ना हारिए। हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतजार कीजिए। मुख्तलिफ जेलों में बेपनाह लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए।